हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 ICSE स्कूल्स इन मुंबई के बारे में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक ब्रोकरेज फर्म की, और ब्रोकरेज फर्म्स आपसे ब्रोकरेज फी चार्ज करते हैं जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर जीरोधा से अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जीरो ब्रोकरेज पे करनी होगी, यानी एकदम फ्री। और अगर आप इन्वेस्टिंग में एक बिगनर हैं तो आपको 7 इन्वेस्टिंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जीरोधा की तरफ से, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सेंट्स मैरी हाई स्कूल। ये स्कूल ICSE से अफिलेटेड है, इसकी ओनरशिप प्राइवेट है और ये मुंबई में लोकेटेड है। अगर मैं बात करूँ स्कूल के बारे में तो यहाँ की फैकल्टीज काफ़ी ट्रेन बताई जाती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को गुड क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बताया जाता है। ये मुंबई का सबसे पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से आता है और ये स्कूल सिर्फ बॉयज़ के लिए है। और अगर कैंपस की बात करूँ तो इसका कैंपस बहुत ही ह्यूज बताया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 4, जमनाबाई नारसी स्कूल। ये स्कूल ICSE से अफिलेटेड है, इसकी ओनरशिप प्राइवेट है और ये मुंबई में लोकेटेड है। अगर बात करूँ स्कूल के बारे में तो इसका कोर्स करिकुलम बहुत ही अच्छा बताया जाता है, इसके टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये स्कूल नारसी मुंजी एजुकेशनल ट्रस्ट का एक हिस्सा है जो कि 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लेबॉरेटरी, साइंस लेबॉरेटरी, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पेशल लैब्स फॉर एरो मॉडलिंग, ज्योग्राफी, मैथ एंड लैंग्वेज और काफ़ी सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के रूम्स अलग से प्रोवाइड करवाए हुए हैं। नंबर 3, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल। ये स्कूल ICSE से अफिलेटेड है, इसकी ओनरशिप प्राइवेट है और ये बॉम्बे में लोकेटेड है। अगर बात करें स्कूल के बारे में तो ये स्कूल इसके स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस बताए जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये स्कूल 1847 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये मुंबई का वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट भी माना जाता है। नंबर 2, कैंपियन स्कूल। ये स्कूल ICSE से अफिलेटेड है, इसकी ओनरशिप प्राइवेट है और ये मुंबई में लोकेटेड है। बात करें स्कूल के बारे में तो ये काफ़ी अच्छा और फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है, यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा कोर्स करिकुलम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है और ये स्कूल काफ़ी वेल रेप्यूटेड माना जाता है और यहाँ की फैकल्टीज भी काफ़ी एक्सपीरियंस बताई जाती हैं। ये एक ऑल बॉय स्कूल है, ये 1943 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये स्कूल 4th रैंक पे प्लेस हो चुका है एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा। नंबर 1, द कैथरल एंड जॉन कॉनन स्कूल। ये स्कूल ICSE से अफिलेटेड है, इसकी ओनरशिप प्राइवेट है और ये मुंबई में लोकेटेड है। बात करें स्कूल के बारे में तो ये इसके स्टूडेंट्स को काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है और यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा बताया जाता है। ये मुंबई का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता है ICSE बोर्ड में और इस स्कूल को 150 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर की भी स्कूल्स या कॉलेजेस को कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।